नमस्ते बुक नॉ कैंटो दो जर्नी इनटू इटर्नल डार्कनेस वॉइस ऑफ द नाइट तो सबसे पहले शाश्वत रात्रि इटर्नल डार्कनेस ये क्या होती है क्रिश्चियनिटी में इसका कंसेप्ट है इटर्नल डार्कनेस का इटर्नल नाइट का वो एक ऐसा स्थान है इटर्नल हेल का जहाँ कंडेम कर दिया जाता है आत्माओं को सदा सदा के लिए सी अरविंद कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई कोई स्थान नहीं है कोई कंडेमनेशन फॉर एवर ये एक मूलभूत अंतर है भारतीय चिंतन में और सेमेटिक चिंतन में सेमेटिक चिंतन में भगवान एक बार पनिश करते हैं तो दोबारा सुनवाई नहीं है और भारतीय चिंतन में मूल रूप से पनिशमेंट नहीं है भारतीय चिंतन में है कि सबके अंदर एक दिव्यता है और वो दिव्यता अपने को उद्घाटित करने का प्रयास कर रही है और उसके प्रयास करने में अगर हम रेजिस्ट करते हैं तो पीड़ा होती है नाना प्रकार के आदि व्याधि इधर उधर से और यदि हम उसको खुल जाते हैं सहज भाव से तो पुष्प की तरह प्रस्फुटन है ये दिस द ओनली डिफरेंस तो पीड़ा भी वास्तव में कृपा का ही रूप है वो आती है हमें अंदर में जो दिव्यता है उसको प्रकटन करने के लिए लेकिन बाहर में एक स्ट्रगल का आभास देती है अगर हम रेजिस्ट करते हैं तो एक स्ट्रगल का आभास देती है और रेजिस्टेंस इस प्रकार से होता है कि जब डिवाइन विल कुछ चाह रही है और हम कुछ और चाह रहे हैं जैसे आप समुद्र में जा रहे हैं समुद्र की लहरें आपको ले जाने चाहिए वहाँ जा रही हैं वहाँ लेकिन आप कह रहे हो अरे मेरे मेरा सुंदर सपना बीत गया तो फिर क्या होगा फिर वो आप यू आर प्लेइंग इट क्रॉस पर्पसिज विद द ऑल विल शे अरविंद इसको इस प्रकार से करते हैं और ऑल विल कैसे ऑपरेट करती है वो हमारे कल्याण के लिए ऑपरेट करती है वो अरे ये खुश हो जाएगा बेचारा इसको ये भी दे दो वो भी दे दो ऐसे नहीं ऑपरेट करती है कभी कभी करती है ऐसा भी कि आपको रसगुल्ला खा कर के आप देखो कि आपका पेट ख़राब हो रहा है लेकिन वो ऑल विल नहीं डायबिटीज़ हो रही है रसगुल्ला खाने से पेट नहीं खराब होता लेकिन ऑल विल इस तरह से नहीं ऑपरेट करती है जो हम समझते हैं डिवाइन विल का ऑपरेशन वो आपको ले जाती है कभी कभी मृत्यु की गुफा से क्योंकि शाश्वत जीवन का मार्ग मृत्यु की गुफा से ही निकलता है तो यहाँ भी हम देखते हैं कि सत्यवान मृत्यु की गुफा में ये अपने आप में एक अचरज की बात है कि सावित्री तो जगन माता है वो तो सत्यवान को यूं ही बचा सकती थी तो ये पूरा ड्रामा जो डेथ आती है ले जाती है इसका पर्पस क्या है ये पर्पस बड़ा अद्भुत है ये पर्पस बात केवल सत्यवान को बचाने की नहीं है मृत्यु के रूपांतरण की भी बात है क्योंकि नहीं तो एक सत्यवान बच जाएगा लेकिन संसार में पूरा मृत्यु का ही राज्य रहेगा वही हम महाभारत में भी देखते हैं अगर एक द्रौपदी और केवल पांडवों को बचाना होता तो वो तो बहुत आसान था वो बाद में भी बच जाते हैं कुरुक्षेत्र की आवश्यकता नहीं थी बहुत सारी चीज़ें घटनाक्रम में हो सकती थी लेकिन बात यहाँ केवल पांडवों की नहीं थी केवल द्रौपदी की नहीं थी बात तो उस समय आर्यवर्त की थी और उसके भाग्य की थी कभी कभी किसी एक व्यक्ति का भाग्य पूरे राष्ट्र की नियति से जुड़ा हुआ रहता है तो उसी क्रम में हम देखते हैं कि अब मृत्यु की गुफा में पहुंच गए हैं और वहाँ पे सावित्री उनके साथ साथ पहुँची हैं तो अब ये इटरनल लाइट क्या है शेरविंद बताते हैं और माताजी भी बताती हैं वो एक प्रतीति है प्रतीति का अर्थ क्या है इसको हम एक उदाहरण से ले लें क्योंकि जब व्यक्ति घोर डिप्रेशन में होता है तो वास्तव में वो मृत्यु का और आ, मृत्यु की शक्तियों का ही प्रभाव है तो जब डिप्रेशन में होता है तो उसको क्या प्रतीत होता है प्रतीति देखिए ये रात कभी नहीं टलेगी सब कुछ ये अब मेरी नियति तो बिल्कुल मैं गिर गया मुझे उठा कौन सकता है मैं तो असमर्थ हूं भगवान ने भी मुझे कंडेम कर दिया है मेरे मेरा कोई होप नहीं है तो ये भाव धीरे धीरे मनुष्य को ऐसे धर कर लेते हैं कि उसको दस दिन भी दस वर्ष के समान लगते हैं देखा कभी डिप्रेशन नहीं होना चाहिए पर अगर इससे गुजरे हो तो अनुभव किया होगा कि कुछ दिन लगते हैं कितनी बड़ी समय और जब खुश रहते हो तो एक लंबा समय पांडिचेरी जब शुरू में आते थे अरे इतनी जल्दी हो गए एक हफ्ते दो हफ्ते कैसे चले गए और जब डिप्रेशन होता है तो एक दिन ओ गॉड अभी फिर से ये रात में सोऊंगा काश नहीं उठूं ये सारे जो भाव आते हैं ये इटरनल नाइट की प्रतीति है बड़ा भयंकर आक्रमण होता है इसका ये इसलिए समझना जरूरी कि वन शुड नो कि इस समय मृत्यु बोल रही है और वो इटरनल नाइट कैसे करती है वो इमिटेशन है भगवान का तो वो वही सारे सत्य जो भगवान आप जो शाश्वत सत्य हैं उनको ट्विस्ट करके बोलती है ट्विस्ट करके क्या बोलेगी वो इस प्रकार से बोलेगी संसार में देखो कुछ भी तो स्थाई नहीं है तो ठीक बात है तो सारा आस्था चैनल पे यही बता रहे तो ये क्या कौन सी बात है? नहीं आस्था चैनल पे बता रहे होंगे मुझे नहीं मालूम लेकिन आ, कहने का अर्थ ये कि इसी सत्य को दो तरह से बताया जा सकता है संसार में कुछ भी स्थाई नहीं है इसलिए हे मानव स्थाई की खोज करो सर्च फॉर द परमानेंट बुद्ध ने यह कार्य किया इसलिए बुद्ध का निहिल इज द सर्च फॉर परमानेंट या शेरविंद की तरह खोज करो कुछ भी स्थाई नहीं है क्यों स्थाई नहीं है क्यों स्थाई नहीं हो सकता क्यों प्रेम को घृणा में बदलना ही है क्यों जलसी में बदलना है क्यों कोई ऐसी हमारे पास जड़ी बूटी मिल जाए जिसके द्वारा हम इसमें एक परमानेंस ला सकें ये शेयरविंद के योग में अभिपसा और भी आगे ले जाते हैं लेकिन इसी चीज़ को ऐसे भी कहा जा सकता है अरे ये सब चीज़ें कोई स्थायी नहीं है और उसके बाद आदमी एक ले करके चला गया किसी आश्रम में वहाँ भी डिप्रेस्ड है जैसे बाहर डिप्रेस था डिप्रेशन तो पीछा नहीं छोड़ेगा क्योंकि वो इस भाव से जीवन से भाग रहा है जीवन से भागने वाला व्यक्ति योग नहीं कर सकता क्योंकि योग करने के लिए बहुत वो माँ कहती है ना यू यू हैव टू लर्न टू एंड्योर मिलियन बैटल्स विदाउट गिविंग अप तो ये तो जीवन तो ट्रेनिंग ग्राउंड है योग के लिए जो लोग समझते हैं कि जीवन से भाग करके लोग योग करते हैं उनको पता नहीं है ना जीवन के बारे में पता है ना योग के बारे में पता है जीवन से जूझ करके आते हैं लोग योग करने के लिए क्योंकि उन्होंने उसको देखा है उसकी दोनों चीज़ों को देखा है दोनों पक्षों को तो इटरनल नाइट एक प्रतीति है जो समय समय पर मनुष्य के अंदर आती है और सावित्री उस प्रतीति के उद्गम स्रोत में चली गई ये प्रतीति कहाँ से आती है ये क्यों मनुष्य को अचानक ऐसा लगने लगता है महसूस किया होगा ना दिन को सब बड़ा अच्छा लग रहा है और रात को क्या मेरा जीवन है या कुछ दिन सब बहुत अच्छा लग रहा है फिर अचानक क्या एक कोई बीमार पड़ जाए घर में पूरी सृष्टि को हम डुबा देते हैं प्रलयी आ गई है ये हम लोगों की एक सोच है मतलब और कोई संसार में एग्जिस्ट नहीं करता है बस मेरे घर वालों को अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो संसार में प्रलय आ गई और मुझे हो गई तब तो भगवान ही बस मतलब भगवान ने पूरी विधान सृष्टि का गलत बना दिया क्यों मुझे बुखार कैसे हो गया मैं तो स्पेशल हूँ भगवान हूँ स्वयं मतलब इस प्रकार की प्रतीति लेकिन ये सब हमारे माइंड सेट्स होते हैं जो बड़े डेंजरस हैं ये इसलिए जानना जरूरी है कि ये माइंड सेट्स हमारे क्या होते हैं जिनके कारण मृत्यु का हम द्वार खोलते हैं तो ये जो प्रतीति होती है सावित्री उसमें उसके गुहा में प्रवेश करती है प्रतीति कहाँ से आ रही मृत्यु और मृत्यु क्या ये सब तो छल है माया है तुम भगवान के बारे में सोचती है। भगवान कुछ है नहीं इल्यूजन है जैसे ये इल्यूजन है वो भी इल्यूजन है कहते ना ऐसे लोग ये बचने का एक उपाय लोगों ने ढूंढ लिया है संसार तो जो है सो है अब भगवान को सोच के खुश हो जाते हैं जैसे वो माओ ने कहा था ना जिस विच अलर्टेड दलाई लामा देखिए कैसे बात कर फॉल्सूड कैसे इमिटेट करता है तो दलाई लामा बड़े प्रभावित थे इस समय माओइस्ट डॉक्ट्रिन मतलब कम्युनिस्ट डॉक्ट्रिन की सब समान हैं सब अब कौन प्रभावित नहीं होगा अब इस्लाम में कह दिया यूनिवर्सल ब्रदरहुड अरे वाह कितनी अच्छी बात कर करें यूनिवर्सल ब्रदरहुड बाद में आपको पता चलेगा यूनिवर्सल ब्रदरहुड केवल उन कट्टरपंथियों का है बाकी सब कोई ब्रदर व्रदर नहीं है बाकी सब तो आपको एक्सटर्मिनेट कर देने पेस्ट की तरह लेकिन ये आपको बाहर से कितना अच्छा लगता है आइडियोलॉजी तो एक बार वो दोनों बैठे हैं उन्होंने इनको इनवाइट किया क्यों इनवाइट किया क्योंकि इनके बड़े अनुवाई हैं उनको भी अपने फोल्ड में लेना चाहते हैं तो बैठे बैठे वो एक क्षण होता है जब इस व्यक्ति के माओ के मुख से निकल आता है बात करते करते बिकॉज उसने बुद्धिज़म को समझा नहीं है तो उन्हें वही अनात्मवाद देर इज़ नो गॉड ऑल दिस तो वो कहते हैं ये जो रिलीजन यू नो आई ऑल्सो नो देर इज़ नो ट्रूथ इन ऑल दिस ये तो केवल एक मार्फिन है लोगों को सुलाने के लिए दलाई लामा के कान अलर्ट हो जाते हैं बिकॉज ही इज ए स्पिरिचुअल मैन वो समझते हैं कि ये बुद्ध ने इस सेंस में नहीं बोला है इसको उन्होंने मेंटल कंसेप्शंस के फ्रेमवर्क के बारे में बोला ये नहीं बोला कि सत्य नहीं है ईश्वर नहीं है उस रात को ये प्लान करते हैं कि आई विल डिसअपियर दैट इज द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी बाद में वो सारे घटनाक्रम होते हैं ही कम्स ट्रो एंड ई मेक्स ए टू इंडिया तो फॉल्सुड इज़ नॉट ओनली दैट विच अपोजिज ट्रुथ इट इमिटेट्स ट्रूथ तो यहाँ हम प्रारंभ देखते हैं इमिटेशन का बार बार सावित्री को मृत्यु यही कहती है ये तुम जिसको प्रेम समझ रही हो ये तो बाद में तो बताई ग्लैंड का सिक्रेशन है पर इस समय तो ये कहती है ये सब कुछ होता नहीं है सावित्री तुम चली जाओ थोड़े दिन और इल्यूजन में रह लो तुम्हारा भी एक समय आएगा मैं तुम्हें भी ले जाऊँगा शांति चाहिए तो मेरे पास ही शांति है और कहीं नहीं मिलती मेरी ही समता है कौन सी समता मृत्यु समता का देखिए समता का मृत्यु क्या करती है एक होती है समता जो ईश्वरीय समता है उस समता में आप ये नहीं कहते कि चूँकि समालोष्ट कांचना गीता में लिखा है ना कि कंचन और मिट्टी एक समान तो आप सोचिए कोई दुकान खोल के बैठ जाए टका सेर खा जा टका सेर भाजा मेरे घर में मेरे यहाँ पे एक किलो मिट्टी भी वही भाव मिल रही है एक किलो हीरा भी तो आप सोच रहे हैं वो गीता का फॉलो कर रहा है जस्ट डिस्टोर्टिंग उसका एक इमिटेशन आ गया समालोष्ट कांचना एक ट्रूथ उस व्यक्ति का है कि उसके हाथ में अगर मिट्टी आती है उसको भी उसी संभाव से ग्रहण करता है जैसे हीरा आता है लेकिन हीरे और मिट्टी का भेद नहीं जान पाना ये मृत्यु करती है तो अब इसमें डॉक्ट्रिन में क्या होती है हम ये सोचते हैं भगवान सबको समान रूप से समता है ना समदर्शी तब नाम हुआ यही तो बाली कहते मुझे मार डाला उसको तो आपने पेड़ से छिप के मारा वो भी और सुग्रीव को आपने छोड़ दिया ये कैसी समता है ये होता है ना मूर्खता वाला भाव लोग बहुत इसमें इंटेलिजेंस समझते हैं ये क्या भगवान का तरीका है तो मृत्यु उस तरह की समता की बात सावित्री को करती कहती है तुम देख लो सावित्री ये सब कुछ सच नहीं है है भगवान लेकिन वो भगवान तो ऐसा है उनको कोई लेना देना नहीं है सृष्टि के साथ आप जब पढ़ेंगे जैसे जैसे विल रीड वी विल सी कि कैसे हम लोग भगवान के भी कंसेप्शन को मृत्यु के कंसेप्शन को हम भगवान का कंसेप्शन मान करके चलते हैं इसी कैंटो में हम देखते हैं कि मृत्यु सावित्री को बूंस भी देती हैं जो कन्वेंशनल स्टोरी में है शेरविंद इस कहानी के बहुत आगे ले जाते हैं लेकिन वो अंत में मृत्यु कहती है प्रारंभ वहाँ से करती हैं कि तुम इतनी दूर आ ही गई हो नहीं उसके पहले एक और घटना होती है एकदम महाघोर अंधकार है उस घोर अंधकार में सावित्री कुछ क्षणों के लिए सत्यवान को खो देती है यानी आप सोचिए कि कैसा भयानक वो अचित अंधकार है जहां डिवाइन मदर इनकारनेट फॉर ए फ्यू मोमेंट सी लोजेस्ट साइट ऑफ सत्यवान बट नेक्स्ट मोमेंट वो अपनी वेल से वो लाइट करती है अंदर में एक फ्लेम और उस फ्लेम में जैसे ही मृत्यु के ऊपर वो फ्लेम पड़ती है उसकी एक छोटी सी लॉ मृत्यु कांप जाती है कहती यहां पर भी किसी ने इस अग्नि को जला दी ये कौन है इस अग्नि से मुझे टॉर्चर हो रहा है तो उस अग्नि को से के टॉर्चर से बचने के लिए वो सावित्री को कहती तुम ले जाओ बूम्स जाओ 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 यहां तक आ गई हो क्या चाहिए तुमको तो सावित्री कहती है आई वॉन्ट वाट माई व्हाट सत्यवान ने कभी डिजायर किया होगा अपने माता पिता सब के लिए अब ये बड़ी बहुत ही प्रफाउंड ट्रूथ्स हैं हम लोग इसको थोड़ा थोड़ा टच करते पढ़ते हैं लेकिन पहले वो किरण जिस किरण से मृत्यु तक कांप जाती है उसका नाम है होप तो होप आशा एक ऐसी चीज़ है उस उस दिन हम लोगों ने पढ़ा भी आशा का कभी त्याग नहीं करना चाहिए वही उसके बाद मार खोलती है अब ये सारी चीज़ें संसार में विपदाएँ आपसे सबसे पहले क्या छीनती हैं पैसा कौड़ी नहीं छीनती हैं जीवन नहीं छीनती हैं वो सब बाद में आता है सबसे पहले करूँ क्या आश निराश भाई सुना नहीं होगा कुंदन लाल सहगल के जमाने का गाना है पर बहुत करूं क्या आश निराश भाई मेरे जीवन में अब निराशा आ गई निराशा आ गई तो आपका वहाँ से प्रारंभ होगा इसीलिए एक बड़े फेमस कवि ने कितना सुंदर एक कविता भी है नर हो ना निराश करो मन को तुम नर हो नर का मतलब यह है कि वो युद्ध करता है अंतिम समय तक निराश नहीं होता है तो यहाँ पर उसका वर्णन है कहाँ पर आ जाती हैं सावित्री जहाँ पर और एक लक्षण होता है मृत्यु के आघात का आपके अंदर से जॉय खत्म हो जाएगा खालीपन लगेगा आप देखिए खालीपन क्या हो शून्य अरे वाह तो अगर आप ऐसा सोचोगे कि मैं तो निर्वाण में पहुँच गया शून्य अवस्था में हूँ ये वो शून्य नहीं है वो शून्य तो बड़ा पावरफुल शून्य है वो शून्य तो ऐसा है कि वो शून्य के आधार पे सारी सृष्टि को रिक्रिएट कर सकता है अपने अंदर से वो ऐसा शून्य है लेकिन एक एम्टीनेस खालीपन जब डिप्रेशन में कई बार लोग कहते हैं एकदम सब खाली लग रहा है खासकर यहाँ का पोर्शन खुशी नहीं आ रही ये सब इसके लक्षण हैं देखिए डिप्रेशन का ओरिजिन ए, ए हॉलो गल्फ ऑफ स्टेराइल एम्टीनेस उसके अंदर से कुछ जन्म नहीं ले सकता ए जीरोस ऑफ द सम इट क्लोज एंड एबेशन ऑफ द मेकर जॉय सेव नो वाइड रिपोर्ट नो डेप्थ ऑफ पीस तो एंड लव एंड नॉलेज एंड हार्ट डी लाइट देयर फेल द इमेंस रिफ्यूजल ऑफ द इटनल नो कई बार आप सुनोगे एक बार एक घटनाक्रम हुआ था किसने आत्मघात कर लिया था तो खबर मैंने पढ़ी थी तो फोन किया था मैंने कहा अरे वो कुछ एक दूसरा तो पता नहीं कैसे उसने ये कर लिया बड़ा शांत रहता था मैंने कहा आपको शांति और डिप्रेशन में फ़र्क नहीं मालूम है शांत मतलब जो आदमी कुछ ना बोले चुपचाप जाके काम करके आ रहा है वो शांत है शांत नहीं हो सकता है शांत हो पर हो सकता है डिप्रेस्ड हो इट मिमिक्स ऐसा प्रतीत होता है उसमें इट इज़ मच बेटर कि वो व्यक्ति थोड़ा जॉय ऑफ लाइफ था एक जगह से अरविंद कहते हैं जू दिवरे इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द योगा अगर आपके अंदर एक जीवन का एक जॉय भी नहीं है तो आप योग में मुंह लटका के जाओगे आनंदमय के पास जा रहे हो पहले कहेगा भैया इस तरह मेरे सामने मत आओ ही विल गिव यू द आनंदा इट इज़ अ जर्नी टू द आनंदा हाउ कैन देर बी निरानंदा ऑन द वे दिलीप कुमार रॉय की ये प्रॉब्लम थी ना तो शीरिंद कहते तुम आनंदमय के पास जा रहे हो निरानंद के पास नहीं जा रहे हो तो जॉय विल कम इट इज नेचुरल वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स और फिर वहां पर जब वो ग्लीम सावित्री अंदर से जलाती हैं ए मेमरी दैट विश टू लिव अगेन रिवीलिंग टू द नाइट हर सोल ऑफ ड्रेड इट वॉन्डर्ड लाइक ए लॉस्ट रे ऑफ द मून सप एंड टाइन इन द ग्लीम द डार्कनेस लॉल्ड इट्स ब्लैक हुड्स ज्वेल्ड विद मिस्टिक ग्लो इट्स डल स्लीक फोल्ड श्रैंक बैक एंड कॉइल्ड एंड स्लिड एज दो दे फेल्ट ऑल लाइट एक फ्रॉम द पेल अप्रोच ऑफ होप तो पुराने समय में ये राक्षसी आश्री प्रवृत्ति के व्यक्तियों क्या कहते थे निशाचर रात को भ्रमण करने वाले और वो रात उनको पसंद होती है आप देखेंगे इस तरह के लोग होते हैं जो कहते हैं ना हमारी तो रात शुरू होती है दिन शुरू होता है सात बजे से और फिर आप देखेंगे रात को इन आश्चरी शक्तियों का प्रभाव होता है ज्यादा हंड्रेड परसेंट ज्यादा प्रभाव होता है कहीं पर भी आप चले जाइए यू विल सी दैट और इस प्रकार से सावित्री आगे बढ़ती है एंड देन कम्स हाँ अब मृत्यु जब देखती है कि होप जाग गया है तो अब वो तो थोड़ी परेशान हो रही विचलित हो रही है तो वो ऐसे सावित्री को प्रतीत करा रही है जैसे कोई गिफ्ट दे रही है, ल्योर कर रही है। तो कई बार जब ऐसे होता है जब आप एक मेहत कार्य के लिए आगे बढ़ते हो तो आपके जीवन में दो प्रकार से ये होस्टाइल फोर्सेस बाधा उत्पन्न करती हैं एक बाधा आपको निराश करके और दूसरी बाधा आपको ल्योर करके शेडविंद कहते हैं और माता जी बताती हैं सक्सेस इज द लास्ट टेस्ट दैट यू हैव टू क्रॉस बहुत कम लोग हैं जो सिर को संभाल पाते हैं तो नॉर्मली जो ट्रेडिशनल योग है उसमें यह बताया जाता है कि नहीं आप टेम्प्रेरी गिफ्ट्स को अस्वीकार कर दो जो सूफिज्म है उसमें ऐसे कहते हैं कि दीन या दुनिया आपको पूछा जाएगा तो आप क्या बोलोगे दीन देन यू आर थ्रू बुद्धिज़्म में भी है मारा आएगा आपको ये भी ले लो वो भी ले लो आप नहीं परमानेंट और शेर के योग में <laughs> यज्ञवल की जो कहानी है जब वो राजा जनक कहते हैं यू थिंक यू आर ए ब्रह्म ज्ञानी कि आप कह रहे हो कि सबको गाय गाय ले जाओ सभा में ये डिस्कशन हो रहा है जो सबसे बड़ा ब्रह्म ज्ञानी है उसको हजार गाय मिलेंगी तो जब यज्ञवल्ल वहाँ पहुँचते हैं तो यज्ञवल कहते हैं डिबेट डिस्कशन की क्या जरूरत है गाय मुझे दे दीजिए तो सब बड़े गुस्सा होते हैं कहते हैं आप क्या समझते हैं कि आप सबसे बड़े ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं नहीं नहीं मुझे गाय की जरूरत है <laughs> मुझे गाय की जरूरत है वैसे आप देखेंगे अगस्त ऋषि लोपामुद्रा की कहानी में जो कन्वेंशनल जो ट्रेडिशनल स्टे उनको ये नहीं समझ आता है लोपा मुद्रा को अगस्त ऋषि ने क्रिएट किया है अपने तपोबल से और राजा के पास छोड़ दिया कि बड़ा बड़ा करो इनको फिर मैं विवाह करने आऊँगा फिर वो विवाह करने आते हैं तो लोपा मुद्रा तो जब देखती हैं उनको शी रियलाइज की इज और वो तो एकदम लोप मुद्रा ही लोप हो जाती है उनकी तो जब लेकर के जाते हैं लोपा मुद्रा को तो कहती बाकी सब तो ठीक है राजा के घर में पली हों ये ऋषि गिरी से नहीं चलेगा आपको तो धन चाहिए मुझे तो अगस्त ऋषि एक्चुअली गोज टू अर्न मनी इट इज देयर इन स्क्रिप्चर्स वो राजा के यहाँ कहते कि मुझे स्वर्ण मुद्राएं चाहिए पूरा एक एपिसोड है तो ये पुराने समय में आप देखेंगे कि हम ये नहीं एटीट्यूड होता था दिस और दैट माता जी कहती हैं जिस एज में हम प्रवेश कर रहे हैं उसमें हमें एक्सक्लूसिविज्म को करेक्ट करना है द क्योर फॉर वी इट इज दिस एंड दैट नॉट दिस और दैट हमें तो यहां पर भी हम देखें जब सावित्री को ये बूंस डेथ देती है तो सावित्री नहीं कहती नहीं नहीं मुझे तो केवल सत्यवान चाहिए देखिए स्टोरी कितनी अद्भुत है सावित्री कहती हाँ वो सब चाहिए जो सत्यवान की इच्छा थी और सत्यवान भी चाहिए सो इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल नल निदा का एक पूरा इस पर एक उन्होंने भी लिखा है इस बात को बड़े सुंदर ढंग से तो जब वो कहती है कहता है यम येट सिंस दाई स्ट्रेंथ डिजर्व्स नो ट्रिवियल क्राउन पेज पाँच सौ अट्ठासी फाइव एट्टी एट गिफ्ट आई कैन गिव टू सूद दाई वॉन्टेड लाइफ पीड़ा में हो समझ आ रहा है मुझे चलो मैं तुम्हें कुछ दे दूंगा क्या दे दूंगा द पैक्ट्स विच ट्रांजियन बींग्स मेक विद फेट ट्रांजियन बींग्स क्या करते हैं कहते हैं अब भगवान तो बड़ा कठिन है भाई योग वगैरह तो बहुत कठिन है लेकिन इतना जरूर है कि भगवान की शरण में रहेंगे तो हमारे बच्चों का धन धान ये, ये सब देखभाल हो जाएगी अरे ये दोनों आइधर और नहीं है लाइफ शुड बी ए जॉयस आउट फ्लॉरिंग ऑफ द स्पिरिट हाँ आपको इंटेलिजेंटली नहीं अटैच होना ये भूल है तो यहाँ पर वो कहते हैं पैक्ट्स एंड द वे साइड स्वीटनेस अर्थ बाउंड हार्ट्स वुड प्लक तो लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं माता जी एक जगह शुरू शुरू के कन्वर्सेशन में कहती हैं कि लोगों के अंदर कितनी भ्रांतियाँ होती हैं तो एक एग्ज़ाम्पल देती हैं कि एक व्यक्ति गया एक जगह पर वहाँ पे सुनने गया किसी स्पिरिचुअल बीइंग को अब पता नहीं है माता जी की अपनी स्टोरी है या किसकी है तो वो जब उसने देखा कि ये तो मास्टर इज सिटिंग विद ऑल द ग्लोरी मतलब कोई ऐसे नहीं जैसे कोई परित्याग करके सारा साधु वेश में बैठा हो ऐसा तो कुछ नहीं है तो वहाँ से ये ये मास्टर कैसे हो सकते हैं माँ कहते हैं उसके अंदर ही भ्रांति थी इट वॉज हिज ओपिनियन ही डिड नॉट नो ट्रूथ अब अगर आप भारतवर्ष की अगर उसमें जाएं इतिहास में जाएं इतिहास कहने मुझे संकोच हो रहा है क्योंकि वो भविष्य भी हैं श्री कृष्ण उनको किस नाम से जानते हैं गीता में योग योगेश्वर देखिए पीताम्बर वस्त्र मोतियों की माला और क्या चक्रधारी है, बैठे रथ पर कहाँ से आप वो कौन से साधु बाबा दिखाई देते हैं पूरी एक आर्मी को नष्ट करने का उनके अंदर सामर्थ्य है हर चीज़ में सो so ये हमारा आइडियल ये है और इवन जो शिव का आइडियल है एसेटिक है अंदर से लेकिन शिव को भी देखिए माता पार्वती लावण्यमयी वो जब वो प्रारंभ करती तो नई सृष्टि की रचना हो जाती है ऐसी खीर सुनाए कहीं नहीं बनती है जैसी माता पार्वती के हाथ की खाइए आपने खाना चाहिए ऐसी कहीं नहीं बनती इससे मिल्क ऑफ नॉलेज जहां पर देवता असुर सब आ जाए समाप्त नहीं होती द ओनली यू यू कैन फाइंड इज इन द आश्रम कैसे इतने सारे लोग आते जाते हैं और इतना वो खाना वंडरफुल फूड कई लोग इस केवल इसके लिए आते हैं तो ये एक प्रोफाउंड ट्रूथ है जिसमें आइदर और नहीं है आश्रम में ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं लोग माता जी एक जगह कहती हैं आई वॉन्ट माई चिल्ड्रेन टू ईट इन गोल्ड की थाली मैं क्यों चाहूंगी कि आप लोग खाली पोर्सलिन से स्टील की थाली में ये भारतवर्ष का एक एंशियंट वो जो फॉर्मूला था जहां वो लाइफ को इंटेग्रल देखते थे डिस लाइफ नहीं थी बॉडीली लाइफ है हम यहां पर इसलिए नहीं तो डिस तो फिर हम वहां पर थे अच्छे से भगवान के पास थे शांति से पूरे झमेले में क्यों आए लेकिन मृत्यु भटका रही है दी इफ दाई विल एक्सेप्ट मेक फ्रीली दाइन चूज ए लाइफ्स होप्स फॉर डिसीविंग प्राइस आशा ही है ना तुम्हारे अंदर चलो तुम्हारी आशा की पूर्ति के लिए मैं दे देता हूँ क्या आशा है तुम्हें मांग लो पर सावित्री जो कहती हैं सावित्री कहती हैं कि तुम मुझे गिफ्ट्स दोगे अच्छा तुम्हारी इतनी इतना तुम्हारे पास गिफ्ट तुम तो गिफ्ट छीनने वाले लोगों में से हो कहती मैं तुम्हारे अगर मेरे भाग्य में यह है तो मेरी सोल उसको डिजर्व करती है तुम मुझे नहीं दे सकते आई हैव नॉट कम एज ए सप्लीकेंट हां तुम्हें अगर ये खुशी प्राप्त करनी की मैं दे रहा हूं तो दो और तब वो मांगती हैं फर्स्ट आई डिमांड वाट एवर सत्यवान अब इसमें चतुराई भी देखिए सत्यवान तो चाहिए परंतु सत्यवान आएगा फिर उसी जंगल में चला जाएगा लकड़ी काटेगा सावित्री तो पूरा भाग्य के वो कहते हैं ना सब कुछ लेने आई है भगवान को अपने साइड कर लेना मतलब वो स्टोरी कई बार मैं इसमें वो स्टोरी याद आती है माता जी जब शिप में आ रही थी कागा मारू तो वो शिप में एक कुछ लोग ताश खेल रहे थे तो एक बंदा लूज कर ही जा रहा था और सारे वो जो होते बेईमान डॉन टाइप के तो सारा लूज एकदम इतना हताश हो गया तो माता जी को उसे दे आ गई माने कहा मैं खेल लू तुम्हारी तरफ से आप खेलेगी खेल लीजिए तो बोलो हंसने लगे अरे लेडी विल प्ले विथ अस माने कहा श्योर हो तुम लोग खेलना चाहते हो हाँ हाँ आप लेकिन देखिए आप हार सकती हैं सब कोई बात नहीं माँ कहती हैं मुझे सारे पत्ते दिखाई दे रहे थे इधर बैठ के ऑल द कार्ड्स ये बड़ी सिग्निफिकेंट स्टोरी है और मुझे इसमें युधिष्ठिर की द्यूत क्रीड़ा याद आती है इनको श्री कृष्ण को फिजिकली बुलाने की जरूरत नहीं थी लेकिन यहां पर वो बैठ करके मां खेलती है कार्ड्स और सब कुछ वो वापस ले लेती है अब फिर उसको कहती हैं ले जा आगे से जुआ मत खेलना जब डिवाइन आपकी तरफ होते हैं तो केवल इससे संतुष्ट नहीं होते हैं कि चलो दे द डिवाइन वांट्स यू टू बी हैप्पी माँ कहती है माई चाइल्ड नेवर फील नेवर थिंक दैट द डिवाइन वांट्स टू स्नैच अवे योर हैप्पीनेस भगवान ऐसा नहीं करना चाहते हैं कि आपकी खुशी छीन लें आपको पीड़ा में डाल दें कष्ट क्यों हमें याद करोगे मतलब ऐसा भगवान तो मॉन्स्टर ही होगा ना पीड़ा देगा आपको कि मुझे याद करोगे ऐसा नहीं है वो तो करुणा में है आपको सब कुछ लेकिन वो कहते हैं खुशी में भी तू तो याद कर यही तो कहा है ना उन्होंने जो सुख में सुमरण करे दुख काहे को होए दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे ना कोई जो सुख में सुमिरन करे सुख है सब है लेकिन सुमिरन भगवान का तेरा शुक्र है तेरी तो ये जब हम जीवन में तो भगवान को साथ में लेके चलते हैं तो वो कहती हैं फर्स्ट आई डिमांड वॉट एवर सत्यवान माई हस्बैंड Waking in the forest charm, out of his long, pure childhood's lonely dreams, desired and had not for his beautiful life, give if दाउ must, or if दाउ canst refuse. अब देखिए इसमें उन्होंने क्या मांग लिया इसी को चतुराई कहते हैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रही हैं। वो कह सकती थी कि एक साधारण व्यक्ति वहां पर ऑप्शन वे करता फोन फ्रेंड क्या मांगू <laughs> सत्यवान को नहीं दे रहा है नहीं दे रहा है अच्छा छोड़ो एक दूसरा सत्यवान मांग लो लेकिन ऐसा कुछ बूंद मांगना कि बड़ा रिच हो ये हो एनआरआई हो है ना ऐसे <laughs> <laughs> सावित्री अपने लिए कुछ नहीं मांगती है सावित्री कहती सत्यवान ने जो चाहा था वो सब दे दो नाउ यू सी हाउ शी हैज चैलेंज हिम डेथ बोर्ड इज हेड इन स्कॉनफुल कोल्ड एसेंट यही मांगा यही मांगा कोल्ड एसेंट ठीक है The builder of this dreamlike earth for man, who has mocked with vanity all gifts he gave. Uplifting his disastrous voice he spoke, indulgent to the dreams my touch shall break. I yield to his blind father's longing heart, kingdom and power and friends and greatness lost, And royal trappings for his peaceful age, the pallid palms of man's declining days, the silver decadent, Glories of life's fall, to one who wiser grew by adverse fate, to one who wiser grew by adverse fate, good फेट restore that deluded soul prefers to impersonal टू bare sublime. ने कि बात तो देखो साधु की इतने कर रहा है कि क्या सावित्री यही मांगा तूने तो उसके पिता का राज्य चल में दे देता हूँ आंखें दे देता हूँ राज्य दे, दे देता हूँ रॉयल पॉम्प यही सब दे देता हूं ये तो डिल्यूटेड सोल्स मांगती हैं, ठीक है, है? स्कॉन में अब देखिए लगता ना? But है ना बट सावित्री answered द disdainful शेड उसके बाद कहते हैं अब तुम चली जाओ क्योंकि अब इतने दूर आ गई हो तो मैंने ये गिफ्ट दे दिए बट नाउ यू गो वर्ल्ड स्पिरिट आई वॉज इक्वल स्पिरिट बॉर्न इस समय वो एक आत्म तत्व के रूप में बात करिए नॉट येट एज द इनकारनेट तुम कितने भी बड़े होंगे आज किसके साथ मुकाबला है मृत्यु के साथ मृत्यु के साथ मुकाबले में प्रॉब्लम यह होती है कि मृत्यु दिखती नहीं है वो कहीं से भी आ सकती है उसका कोई रूप नहीं है अरूप है <laughs> तो उसको कैसे आप रूप दे सकते हो अरूप है अनाम है इसलिए जो माता जी ने जो बताई है ना बड़ी सुंदर चीज बताई है एक सॉल्यूशन कोई चीज जो इतनी अरूप है वो कोई भी रूप लेके आ सकती है आप उसको एक रूप दे दो नाम दे दो और नाम और रूप दे दो नारायण नारायण माँ 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 ऑल इज मदर अब क्या होगी ना वो विवश हो जाएगा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है वो डार्कनेस की जो मास्क है उसको उतारना पड़ेगा क्योंकि आपने उसके पीछे बाय द पावर ऑफ फेथ देख लिया है लेकिन ओरिजिनली ही वो भयावह क्यों होती क्योंकि अरूप होती है कोई नहीं जानता कहाँ से आ जाएगी इधर से आ जाएगी उधर डॉक्टर के रूप में आ जाए आपको अच्छा इंजेक्शन दे रहा है कि ठीक हो जाओगे <laughs> बूढ़ा चला गया देखा है देखा है ये सब हम सब ने तो अब गुडविल में गुड फेथ में होता है अब वो तो है ना रिएक्शन होता है ना अब आदमी दिया आपने चला गया तो अब ये सारी चीज़ें वो उसका आपको पता ही नहीं है कहाँ से आ रही है तो इस प्रकार से वो कह रही हैं my will to is a law my strength a god i am immortal in my mortality i tremble not before the immobile gaze of the unchanging marble hierarchies that look with the stone eyes of law and fate हम तो यहां भाग्य से ही लड़ने आए हैं हम तो यहां नियम को बदलने आए हैं यह कोई नियम है कि एक व्यक्ति अच्छा भला एक यंग एज में चला जाता है ये कोई नियम है इट्स मस्ट चेंज और भगवान को ये पसंद आता है जब आपके अंदर ये एक एटीट्यूड होता है नॉट विद रिवोल्ट टेकिंग हेल्प फ्रॉम द डिवाइन अर्जुन ने क्या किया डिवाइन की हेल्प लेकर के कि अब काना बोल दिया मैंने कि मैं लेके आऊँगा अंधकार से वो ब्राह्मण के बच्चे चले गए चारों कहते हैं चल तुम चल मेरे साथ वो है ना स्टोरी जो विष्णु भगवान के पास से लेके आते हैं दैट हाउ इट इज माई सोल कैन मीट दैम विद इट्स लिविंग फायर फिर तु कहती है यम कहते हैंज दाउ गॉड विंग्स और फीट दैट ट्रेड माई स्टार्स फ्रेल क्रीचर विद द करेज दैट एस्पायर फॉर गेटिंग दाई बाउंड ऑफ थॉट दाई मॉटल रोल

अंधकार के भीतर कौन छिपा है इसको देखने का साहस किसी ने नहीं किया से सूरज उग रहा है डूब जाइए दो दृष्टि है ना सत्य तो रात ही है देखो पूरी घनी रात, सूरज उसमें से निकलता है फिर डूब जाता है तो आप ऐसे व्यक्ति को क्या समझाएंगे भैया ये पृथ्वी का विजन है बाहर आके देख सूरज तो सदैव जलता रहता है प्रचंड तेज से जलता है तो ये एक रात्रि के गर्भ में जाके देखने का प्रयास और बार बार मृत्यु डिस्करेज करती हैं ये हम करते हैं कि भाई ये ये सब जो तुम्हारे मन में है ये सत्य नहीं है और उस समय सावित्री बहुत पावरफुल आंसर है द मॉडल वुमेन टू द ड्रेडफुल लॉर्ड but savitri answered meeting scorn with scorn who is this god imagined by thy night जहाँ आप सुने ऐसे भगवान का वर्णन समझ जाइए कि वहाँ भगवान नहीं है असुर ने गद्दी को हथिया लिया है अब देखिए वर्णन करती हैं रात्रि ने एक कंस्ट्रक्ट बना दी इस हद इमिटेट करने लगी है जस्ट बिकॉज कोई कहता है भगवान भगवान तो आप मान लोगे नहीं देखो वो भी कहते हैं वो रिलीजन भी सब रिलीजन कहते हैं भगवान सब भगवान एक है अरे क्या कहते हैं भगवान के बारे में ये भी तो पूछ लो उनसे तो यहाँ पर देखिए कौन है वो रात्रि का भगवान contemptuously क्रिएटिंग वर्ल्ड इज डेन्ड हु मेड फॉर वैनिटी द ब्रिलियंट स्टार्स भगवान ने अपने बस ऐसे ही वैनिटी के लिए बना दिए ये तारे नक्षत्र मनुष्य ऐसा कैसा भगवान होगा सोचो मतलब इतना सारी सृष्टि मनुष्य को भी बीच में दे दिया अच्छा मनुष्य को दे देते उसमें प्रॉब्लम नहीं थी सा दे दी उसके अंदर परफेक्शन की वही नहीं देते पशु जैसा रहता आता चला जाता प्रेम दे दिया अंदर में फिर लोग कई बार कहते प्रेम तो दे दिया आप कहते हो तो डिटैच हो जाओ तो इसका उत्तर यह है कि डिटैच होते हो तभी प्रेम मिलता है जब आप अपने ईगो से डिटैच होते हैं ना तभी आपको प्रेम मिलता है नहीं तो प्रेम नहीं मिलता है तो ये दोनों टू स्टेप्स हैं एक ही सत्य के आप इसको अपोजिट करके देख रहे हो कि एक तो भगवान ने प्रेम जगाया आप कहते हैं डिटैच हो जाओ अब नहीं कहते हैं प्रेम जगाया इस प्रेम को पूर्णता तक, तक ले जाना है तो अपने ईगो सेल्फ से और डिजायर सेल्फ से डिटैच हो जाओ तो आपको सच्चा शुद्ध प्रेम प्रकट हो जाएगा <laughs> वो रास्ता बता रहे हम अपोजिट करते हैं Not he who has reared नॉट ही हु माई थॉट्स एंड मेड इज सीक्रेट फ्लोर my human heart. तो भगवान कौन है सावित्री का भगवान My God is will and triumphs in his paths. असत्य मिथ्यात्व अज्ञान अचित अंधकार उसके विरुद्ध भगवान लड़ते हैं युद्ध करते हैं ये भारतवर्ष में जो मानसिकता आ गई सब ठीक है ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है जो हुआ अच्छा हुआ जो हो रहा है अच्छा है आगे भी जो होगा अच्छा होगा हिटलर भी आ जाएगा तो क्या है हमारे गीता में लिखा है आ जाने तो गीता में एक लिखा है लेकिन ये जो हमारा ये ये सत्य नहीं है फाइट इफ विद इन यू यू हैव एस्पिरेशन एंड अर्ज एंड द स्ट्रांग इंस्पिरेशन, डोंट फाइट इंस्टिगेटेड बाई पीपल पर आपके अंदर अगर एक सत्य न्याय इसके लिए अगर अंदर में भाव है तो उस ट्रुथ को फॉलो करिए अगर आपके अंदर सच्चाई है इट विल टेक यू ऑन द रिवोल्यूशनरी पाथ तो वो एक अलग माय गॉड इज़ विल लेकिन ये जान करके कि मैं कहीं इसके पीछे मेरा एम्बिशन लेके तो कर्ण का एम्बिशन लेके तो मैं नहीं लड़ रहा हूँ दैट यू मस्ट बी श्योर कि इफ आई एम टेकिंग अप ए फाइट अगेंस्ट डार्कनेस इट इज समथिंग जेनविन तो यहाँ पर वो क्या कह रही हैं माई गॉड इज़ विल एंड ट्रायम्स इन इस पाथ्स My God is love and sweetly suffers all. ये वाले गॉड नहीं है जो नीत से भी कहा ना कि गॉड इज पावरफुल लेकिन उसका जो गॉड है ये देखिए असुर और देवता में ये एक सूक्ष्मंत है दोनों में शक्ति है असुर भी युद्ध करते हैं देवता भी युद्ध करते हैं शे अरबिंद इसको स्पष्ट करते हैं दिस सुपरमैन ऐसे में लेकिन असुर क्या करता है वो युद्ध विजय और पद तल रौंद करके लोगों को उसको संतोष होता है मैंने कहा है ना तुमको ये ओबे करना है अगर तुम ओबे नहीं कर रहे हो तो गलत कर रहे हो ये असुर का भाव होता है हर चीज़ को कंट्रोल डोमिनेट क्रश और देवता वही चीज कहते हैं ये उचित है तुम्हारे लिए तुम्हारा मार्ग ये उचित है आप उसकी बात नहीं फॉलो कर रहे हैं तो देवता तुम्हें क्रश नहीं करेगा कभी भी वो सफर करेगा जैसे एक माँ होती है ना बच्चे को समझाती कहाँ गया बच्चा बच्चे को समझाती है बच्चा जब नहीं सुनता है तो सफ़र कौन करता है माँ करती है हृदय में माँ ये नहीं करती है उठा के कूट दिया तो मेरी बात मेरी बात सुन है ना वो जानती है लेकिन वो ये भाव उसको क्रश नहीं करेगी तो उसी प्रकार से भगवान यही तो करते हैं ना कि वो हमें देते हैं ऑप्शन कितना समझाते हैं कितनी बार बेचारे बार बार ह्यूमन बॉडी दस दस बार आ गए फिर भी हम नहीं समझते हैं फिर भी वो सफ़र करते हैं शरीर में हम खुद को पीड़ा पहुंचाते हैं तो वो हमारी पीड़ा को कि वो भी काम उनको करना है स्केवेंजिंग का काम शिव की तरह वो विष भी पीते हैं सो माई गॉड इज़ लव एंड स्वीटली सफर सॉल्व और वो ये नहीं कहते हैं कि तुम लोग कितने बदमाश हो वो कहते हैं हाँ विष निकला है तो मैं इसको धारण करूंगा तो ये भी देवत्व का ये दोनों साइड्स है उसमें केवल पावर नहीं है लव है और बिना लव के जब पावर होती है तो वो आसुरिक होती है दैट्स द डिफरेंस असुर के अंदर एक प्रकार का ज्ञान भी हो सकता है लेकिन वो आधा अधूरा अहम ब्रह्मास्मी ज्ञान तो सही है मैं भगवान हूं लेकिन अहम ब्रह्मास्मी तोमी <laughs> 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 तुम ये नहीं कह सकते सॉरी <laughs> <Sorry. laughs> ये नहीं कर सकते आप ये डबल गेम नहीं खेल सकते हो रावण ने ये खेल खेला मैं ब्रह्म हूं लेकिन तुम लोग कीड़े मकोड़े यू कैन डू दैट इफ यू बिलीव यू आर सुप्रीम देन यू हैव दी करेज टू एक्नोलेज दैट इन दिस क्रिएशन देर इज नथिंग एल्स बट सुप्रीम जिस दिन उस भाव में जागोगे तो वो एक शक्ति होगी तो उस भाव में आप माई गॉड इज लव एंड स्वीटली सफर सॉल क्योंकि दूसरा है नहीं कोई टू हिम आई है सेक्रीफाइस एंड गेव माई लॉन्गिंग सज एसिक्राम परफेक्ट डिवाइन डिपोजिट बैंक अपनी आशाओं को ना इधर उधर मत बिखेरी इससे भी आशा है उससे भी आशा है इससे भी आशा है क्यों टूटती हैं? इसलिए नहीं कि भगवान तोड़ रहा है आपने तो अभी उसमें करी नहीं ना करो <laughs> यही तो द्रौपदी ने सीखा मेरे पांच पति हैं, किसके हिम्मत है टच करने की मुझे और ग्रैंड सायर भीष्म इनके रहते भला कोई अन्याय हो सकता है अपराध हो सकता है अंत में कौन काम आए हे माधव मधुसूदन मेरे हृदय के कमल में शुरू से क्यों नहीं मेरी सारी आशाओं को डिपॉजिट करते जाइए ये मेरी आशा है वो भी उनको दे दीजिए ये मेरी इच्छा है वो भी उनको दे दीजिए ये मेरे कर्म है उनको दे दीजिए लेट हिम डू इन इज ओन टाइम इन इज ओन वे उनको सब पता है ना रास्ते तो यहाँ पर हु प्रोहिबिट और हैज इन इज कोर्स भगवान के सहायता से मैं आगे बढ़ रही हूँ दंडरफुल दिफ्ट रथ मेरा उनके हाथों में मृत्यु तुम मार्ग रोकोगी मेरा मेरा रथ जरा देख लो कौन चला रहा है उसके बाद तुम ए ट्रेवलर ऑफ द मिलियन रोड्स ऑफ लाइफ भगवान किस रास्ते पे चलता है कौन सा रिलीजन मृत्यु कहीं पूछना बैठे अच्छा भाई दी वे तुम किस रिलीजन को हो तो कहते मिलियन रोड्स ऑफ लाइफ सारे पथ उनके पथ हैं बताते हैं ना आप देखिए आप कैसे कल्ट में रिड्यूस कर सकते हो सारे पथ उनके पथ हैं और यही ब्यूटी है जो वाइडेस्ट स्पिरिचुअलिटी वहां से स्प्रिंग करती है स्पिरिचुअलिटी तीन तरह से उसके डिस्टॉर्शन देखिए वाइडेस्ट स्पिरिचुअलिटी लिव्स इन इन्फिनिट प्लास्टिसिटी अगर आप ऋषियों के जीवन को देखेंगे तो दे लिव्ड इन वास्टनेस इनफिनिट प्लास्टिसिटी क्योंकि सत्य इस प्रकार सत्य कोई फिक्स डॉगमा नहीं है फिर नेक्स्ट लेवल होता है जहाँ पे आप किताब को पढ़ते हैं किताब को पढ़ते ही किताब और आपकी अंडरस्टैंडिंग तो उसमें क्या होता है वो एक डॉगमा बनता जाता है अच्छा ऐसे लिखा है वैसे लिखा है उसके बाद और भी नए नए उस समय उन्होंने ऐसे किया था तो आप एक बाहरी चीज़ को देख करके यार्डस्टिक बना लेते हैं तो उसमें आपने, आपने देखा कि कोई व्यक्ति अपने घुटनों पर एक बहुत आनंद के भाव से घुटनों पर गिर पड़ा और हाथ उठा के कहा हे hey, ईश्वर तेरा शुक्र है अब अंदर का भाव तो आपने देखा नहीं कहा ये करना होता यही असल चीज है तो रोज बैठ करके पता नहीं हजारों लोग घुटने पर बैठ करके हाथ उठा के हे hey, ईश्वर तेरा शुक्र है कौन सा ईश्वर हृदय में भाव मडरस भाव चल रहे हैं वो बेचारे ने भूख प्यास से तड़प रहे थे उस समय गिर के कहा डेजर्ट में कि हे hey, ईश्वर तेरा शुक्र है आपके पास गोडाउन भरा हुआ है सब कुछ है और आपके हृदय में मदरस भाव हैं और आप बैठ करके वो सोच रहे हो कि भगवान बड़ा खुश हो जाएगा तो भगवान तो फूल नहीं बनता ना ही इज इन द हार्ट ही नोज तो ही इज ए मिलियन पाथ्स जब हम उनको सीमित करते हैं इस प्रकार से सीमित करते हैं वर्ड्स के थ्रू बाहरी जीवन के थ्रू यहाँ तक मैंने सुना एक एक पूरे एपिसोड की बात में एक बड़े अच्छे मेरे मित्र थे अच्छे लोग थे, थे लेकिन वो हमेशा लौकी बनाते थे तो अब हम लोग उठना बैठना मुझे लगा ये आखिर कुछ तो रहस्य होगा एक बार पूछ लो तो मैंने कहा कि आप मतलब आप लोग सबको लौकी पसंद है क्या बात है तो वैसे नॉन वेजिटेरियन थे तो मैं कहते हैं नहीं वो हमारे जो अब मैं नाम नहीं लूँगा जो हमारे प्रॉफिट थे उनको लौकी बहुत पसंद थी मैंने तो उनको लौकी लौकी होती होगी उनको किसी ने खिलाई नहीं होगी प्यार से साग सब्जी खिला देते अब ऐसे तो कृष्ण जी ने वो साग भी के घर खाए केले का छिलका खाया तो आप बोलो कि अगर केले का छिलका और साग खाने से मैं गीता का ज्ञान आ जाएगा इट इज नॉट लाइक दैट एट ऑल या आप जबरदस्ती लेके युद्ध लड़ने लग जाओ मैं कर करूंगा मैं मुझे गीता आ जाएगी दिस इज कॉल्ड इमिटेटिंग श्री अरविंद की तरह मैं बीस वर्ष कमरे के बाहर नहीं निकलूंगा पहले आप चेतना तो उनकी आप पागल निकलोगे वहां से 24 दिन में ऐसे भी लोग हैं वॉकिंग करूंगा मैं मेडिटेशन अरे सड़क खोली है यू वॉक नहीं आई हैव सीन एक्चुअली पीपल कि वो इस तरह से करके दे थिंक दैट दे आर धोती पहनूंगा ऐसे भी है धोती पहनूंगा और फोटो खिंचाते हैं वो भी बे धोती <laughs> पहनी हाँ नहीं नहीं धोती पहनी है कुर्ता नहीं आप क्यों क्योंकि शेरविंद ने ऐसे धोती पहनी है तो ये क्या है मतलब शेरविंद को हम कहाँ लिमिट कर रहे हैं शेरविन कभी आप अंतरदर्शन में देखोगे तो यू कैन इवन सी वेयरिंग वेस्टर्न क्लोथ्स। इसलिए माता जी ने ये सारी चीजें तोड़ी क्योंकि उनको पता है कि मनुष्य क्या करने वाला है हमेशा भगवान के साथ ऐसी करता है तो उन्होंने साड़ी भी पहनी चूड़ीदार भी पहना लिपस्टिक भी लगाई परफ्यूम भी यूज की टेनिस भी खेला अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या करूं मैं नहीं करूं एवरीथिंग व्हाट वास्टनेस ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ ज्योति प्रिया का अभी मैं पढ़ा था जुड कैसे माता जी उनको चिट्ठी लिखती हैं कह तुम जहां हो तुम वहीं पर काम कर रही हो इन लोगों पता नहीं है तुम काम करने ही आई हो क्योंकि तुमने अपनी चैत्य सत्ता को रियलाइज कर लिया है जिन्होंने अपने चैत्य को रियलाइज नहीं किया है उनके लिए इस प्रकार से साधना एक एकांतिक जिन्होंने चैत्य सत्ता को रियलाइज कर लिया है वो भगवान का काम करने ही आते हैं उनका और कोई प्रयोजन नहीं होता है कि मैं यहाँ रहूँ वहाँ रहूँ दे आर डूइंग द डिवाइन वर्क वेर एवर दे आर तो तुम इसलिए आई हो अभी हाल में आई थिंक उनकी पुण्यतिथि होगी या बर्थडे तो आई वो जिस पहले भी पढ़ा है बहुत इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी और माँ उनको कहती हैं कि कहती मेरे शरीर में इतनी सारी कष्ट अरे तुम इतनी जल्दी में थी आने की कि भगवान का काम करना है भगवान का काम तुमने देखा भी नहीं कि शरीर कैसा चुन रही है तुम्हारे शरीर की मुझे देखभाल करनी पड़ी और उनके लास्ट वर्ड्स भी जाते समय कैलिफोर्निया में जुड़ित टाइप अमेरिकन थी कहती हैं कि आई वॉन्ट टू कम बैक विथ हेल्थ एंड फिटनेस टू डू द डिवाइन वर्क सो ये एक जो भाव होता है हाउ डज इट मैटर आप कहाँ रहोगे कैसे रहोगे असल चीज तो वही है ना तो वो कहती हैं कि ट्रैवलर ऑफ द मिलियन रोड्स ऑफ लाइफ स्टेप्स फेमिलियर विद द लाइट्स ऑफ हेवन ट्रेड विदाउट पेन द सोट पेव्ड कोट्स ऑफ हेल नर्क में भी जाते हैं वो सामर्थ्य है उनके अंदर देयर ही डिसेंड्स टू एज इटर्नल जॉय वहाँ भी वो जॉय को निकालने के लिए एक अपने अब एक अगेन एक सेक्ट है जिसमें वो कहा जाता है कि एक रिलीजन है कि कृष्ण तो उन्होंने बहुत पाप किया था महाभारत वगैरह में तो इसलिए वो साथ सबसे जो नीचे नरक है ना वहाँ पर है तो किसने मेरे साथ उनको भिड़ा दिया तो कह, कहा उसने कि ऐसा ऐसा ये कहते हैं तो वो थोड़ा घबरा कहते नहीं नहीं हम नहीं हमारे रिलीजन मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं सही कहते सही कहते मैंने कहा हाँ महानरक में जाने का सामर्थ्य किसके अंदर होगा <laughs> तो कृष्णी जा सकते हैं वो इतने आनंद में कि वहां भी जाकर के वो उसको स्वर्ग बना देंगे स्वर्ग नहीं स्वर्ग से भी ऊपर अपग्रेड करके उसको वृंदावन बना देंगे तो फिर अब वहां हाँ 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 आपने अच्छी लेकिन मन सोच रहे <laughs> क्या <laughs> पर इसका आधार ये था सावित्री की लाइन्स सावित्री की दो लाइन देखिए स्टेप्स फेमिलियर विद द लाइट्स ऑफ हेवन जो स्वर्ग का मार्ग जानते हैं ट्रेड विदाउट पेन द दोर्ट पेव्ड कोट्स ऑफ हेल

तो अब इसमें क्या मिस किया है सावित्री ने कहना ज्ञान तो वो भी डेलिब्रेट है तो मृत्यु आप बोलती है ये क्या तुम्हारे अंदर ये सब होप है ये भगवान की और इत्यादि की द गॉड टू होम मैन प्लेस कैन हेल्प नॉट मैन ये मृत्यु कह रहा है एग्जाम कह रहा है दे आर माई इमेजिनेशन एंड माई मूड्स रिफ्लेक्टेड इन हिम बाई इल्यूजन्स पावर ये तो ब्रेन के अंदर सेल्स होती हैं वो एक पर्टिकुलर सिस्टम है उसमें वो ट्विच 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 करती है तो आप देखते हो भगवान सामने आ गए भगवान की वाणी सुनने लगते हो पागलपन एक प्रकार का कह तो रहा ऐसे व्यक्ति को साइकेट्रिस्ट के पास ले जाना चाहिए भगवान नहीं होते पागलपन है इज डेथ इन ड्रीमिंग ऑफ इटर्निटी बट इफ देर वेर ए बींग विटनेसिंग ऑल हाउ शुड ही हेल्प दई पैशनेट डिजायर होगा भगवान लेकिन वो ये सब आपके डिजायर्स में इसमें लाइफ में थोड़ी हस्तक्षेप करेगा एलोफ ही वॉचेज सोल एंड एप्सल्यूट इन डिफरेंट टू दाई क्राइन नेमलेस काम देखिए लगे आपको कह रही है, तो प्रवचन हो रहा है ही इज प्योर हिज बींग इज प्योर अनवेड मोशनलेस वन सुना है ना शिवो हम शिवो हम नमी पंच उसी को ये ट्विस्ट करके बोल रहा है वहां पर एसेंशियल ट्रुथ की बात हो रही है तो मृत्यु कह रहे है, सुना होगा तुमने ये भजन वास्तव में वो तो प्योर बीइंग है वन है उसका संसार से क्या लेना देना वो तो संसार के पचड़े में नहीं पड़ता है वन एंडलेस लेस वॉच इज द इनकॉन्शियंट सीन वेयर ऑल थिंग्स पेरिश एज द फोम द स्टार्स द वन लिव्स फॉर एवर दे नो सत्यवान चेंजिंग बज बॉर्न एंड देयर नो सावित्री

दैट्स वाई इट इज सेट डेविल कोर्ड्स द स्क्रिप्चर हल्का सा ट्विस्ट दे देगा उसमें चेतना का नो गेज नो हार्ड दैट थ्रॉप्स इट आस्को सेकेंड टू एड इट्स बीन और टू शेयर इट्स जॉय अब डिफरेंस इसमें क्या है कि जब हम डिप्रेशन में होते कहते हैं वास्तव में भगवान ही हैं ये सब तो सब संसार रूपी पिछड़ा आप ध्यान करिए कि कहीं अवसाद में तो नहीं कह रहे हैं। लेकिन संसार आनंद के प्रकटन के लिए है नॉट बाई डिजायर नॉट फॉर डिजायर इफ दाउ डिजायरेस्ट इमोटेलिटी बी देन देन अलोन टू सोल राइज देव सोर्स तो सावित्री कहती है ओ डेथ दाउ रीजनस्ट आई रीजन नॉट रीजन दैट स्कैन्स एंड ब्रेक्स बट कैनॉट बिल्ड और बिल्ड्स इन वेन बिकॉज शी डाउट्स हर वर्क आई एम आई लव आई सी आई एक्ट आई विल अब यहाँ पर यह भी है कि रीजन के द्वारा आप भगवान को नहीं जान सकते ये नहीं कि भगवान इ है भगवान सुप्र रैशनल है एक अलग लॉजिक से काम करते हैं वो लॉजिक हमें एक्सेसिबल नहीं है क्यों क्योंकि हमारा ह्यूमन रीज़न ग्लोबल चीज़ों को नहीं देखता है डिवाइन रीजन हर चीज़ को एक साथ देखता है ह्यूमन रीज़न कट करके खंड करके ये लीनियरली देखता है ये इंसान अच्छा था इसके साथ ये हुआ वो इंसान वैसा था इसके साथ ये हुआ फिर कॉम्बाइन करता है इसका ये कर्म होगा उसके साथ ये लेन देन होगा इट ट्राइज टू स्कैन एंड बिल्ड लेकिन सत्य ये कुछ नहीं सत्य केवल एक है इसमें उसमें सब में वो एक ही है जो प्रकट होने की चेष्टा कर रहा है नाम रूप के माध्यम से और सृष्टि के सारे मोशंस में और कर्म के माध्यम से वो क्या है डिलाइट है वो आनंद अपने आप को प्रकट करने के लिए चेष्टारत है सत्य आनंद डेथ एंसर्ड हर वन डीप सराउंडिंग क्राई नो ऑल्सो नोइंग दाउ शेल्ड सीज टू लव सावित्री आप मुझे पता चल गया तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है तुम बहुत प्रेम करती हो ज्ञान का अभाव है ज्ञान तुम्हें हो जाएगा तो वैराग्य आ जाएगा उसके लेक्चर के बाद कहते हैं बच्चा तुम मेरी पेटी संभाल लेना बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं वैसे वैराग्य ये हम लोग शिक्षा देते हैं ना कई बार ये भारतवर्ष को डुबा दिया इस तरह की शिक्षा ने वैराग्य का पूरा मतलब ही अलग हो गया कहाँ राम और कृष्ण की जगह उनके नाम से हम स्वैयर करते हैं लेकिन अंत में हम ऐसे बाबा जी के पास जाएंगे जो आपको बाहर से वैराग्य की शिक्षा दे रहे हैं मुझे तो ये विरोधाभास नहीं समझ आता है वहाँ लोग कॉस्टली कपड़े पहन के जाएंगे कॉस्टली कार में जाएंगे ये सीखने के लिए कि ये सब मिथ्या है लेकिन आ अच्छा सीखे तो आप कम से कम वहीं पर त्याग कर दो वापस आएंगे उसके बाद दूसरे की साड़ी भी देखेंगे बेटा कहाँ काम कर रहा है ये भी देखेंगे कार में खड़े होंगे और देखेंगे उसने अभी अब तक अपनी गाड़ी को अपग्रेड नहीं किया ये विरोधाभास आप देखिए इट इज़ मच वर्स देन ए पर्सन जो इंडल्ज करता है कहता है हाँ मुझे अच्छा लगता है कम से कम उसके अंदर एक सत्यनिष्ठा है लेकिन ये जो दोहरा जो मापदंड है और वो कैसे कैसे प्रकट होता है इस तरह से प्रकट होता है तो वो मृत्यु कहती है नो ऑल्सो नोइंग धाउ शल्ड सीज टू लव एंड सीज टू विल डिलीवर्ड फ्रॉम दाई हार्ट अब देखिए सीज टू विल अब एक शब्द आता है गीता में सर्व संकल्प सं सन्यासी सीज टू विल लेकिन गीता में इसका यह अर्थ नहीं है गीता में अर्थ है कि तुम्हारे जो इगोइस्टिक जो संकल्प उठते हैं तुम उनका त्याग कर देते हो तो क्या होता है तुम्हारे अंदर एक आवेश के रूप में या आदेश के रूप में या एक प्रेरणा के रूप में या एक हल्के से इंडिकेशन के रूप में भागवत संकल्प प्रकट होता है तो दिस रिनंसिएशन इज ऑलवेज फॉर ए ग्रेटर ट्रूथ तेन तत्तेन भुंजिता रिनंसिएशन ओनली फॉर शोइंग दैट आई हैव हैउंस इसलिए नहीं है पीड़ा कष्ट सहने के लिए नहीं है इट इज फॉर ए ग्रेटर डिलाइट लेकिन मृत्यु के लिए डिलाइट एग्जिस्ट नहीं करती है प्रेम एग्जिस्ट नहीं करता है सो शेल्ड आउ रेस्ट फॉर एंड बी स्टिल कंसेंटिंग टू द इम ऑफ थिंग्स ये सब टूट खंडित होना है इससे जुड़ोगे तो आपको दुख होगा अंतर बहुत हल्का है मृत्यु it, it throws the baby with the bath water. पूरी सृष्टि को इट इट थ्रोज द बेबी विद द बाथ वाटर पूरी सृष्टि को नकार देती है भगवान क्या कहते हैं जुड़ो लेकिन इग्नोरेंटली जुड़ोगे तो दुख होगा लेकिन वैसे जुड़ो जैसे भगवान जुड़ते हैं ईशा इदम सर्वम यत किंच जगत त्याम जगत तेन तक तेन भुंजता जैसे भगवान सृष्टि से जुड़ते हैं सब चीज से जुड़कर भी किसी से भी सबसे अछूते हैं एब्सोल्यूट द परफेक्ट द इम्यून तब तुम आनंद में रहोगे सो so ये एक डिफरेंस देखिए एक छोटी सी चीज को बताया नहीं जा रहा है कई बार सत्य का हनन इस प्रकार से होता है जब आंशिक सत्य बोला जाता है अरे वो व्यक्ति क्वारंटाइन में है कोरोना हो गया अब क्वारंटाइन सच है कोरोना हो गया है झूठ है ये हो गया ना ये आपने एक, एक सत्य को नहीं बताया तो कई बार हम जब सत्य को अंश से कहना तो यहाँ पर वो इसी प्रकार से यमा इज टेलिंग टू सावित्री बट सावित्री रिप्लाइड फॉर मैन टू डेथ अब यहाँ पर ये है कि उनका एक अवतारिक एस्पेक्ट सावित्री प्रतिनिधित्व कर रही हैं मनुष्य का तो वो क्या कहती हैं वेन आई हैव लव्ड फॉर एवर आई शैल नो ये कैसे प्रेम करने से आपको ज्ञान कैसे आएगा क्योंकि ज्ञान क्या है एकत्व है ज्ञान रीजन जिसको ज्ञान कहता है वो खंड खंड है ये अलग है वो अलग है लेकिन ज्ञान स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से एकत्व है तो एकत्व को प्राप्त करने का जो सबसे क्विक मार्ग है वो प्रेम है क्योंकि प्रेम क्या करता है जोड़ता जाता है जोड़ता जाता है प्रेम खंड करना तोड़ना इसको तोड़ दो इसको फेंक दो ये प्रेम नहीं करता है प्रेम स्वीकार करता प्रेम इज लाइक ए महागंगा उसमें जो कुछ आता है शव भी हो और शिव भी हो दोनों को स्वीकार करती हुई वो समुद्र की ओर जाती है सो so, इस प्रकार से प्रेम सब चीजों को एक सूत्र में जोड़ता चला जाता है सो वेन आई हैव लव्ड फॉर एवर आई शेल नो लव इन मी नोज द ट्रूथ ऑफ ऑल चेंजिंग्स मास्क तुम रीजन से देखते हो इसलिए मास्क को देखते हो लेकिन प्रेम हर चीज के अंदर छिपी भागवत उपस्थिति को देखता है जो सच में भगवान के प्रेम से प्रेम करते हैं वो कभी किसी को कंडेम नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसको कंडेम करना मतलब आपने इस भगवान को एक तरह से कंडेम किया जब आप कहते हो वो आदमी एकदम बेकार है गया गुजरा है उसका कोई आशा नहीं है तो भगवान अंदर से निकल के बोलेंगे बेटा मैं तो हूँ मुझे कुछ तो आशा छोड़ दे मेरे लिए कुछ तो काम छोड़ दे तो, तो आप क्या बोलोगे वो सॉरी 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 पढ़ा नहीं था तूने मैं हूँ अंदर में तो जो लोग इस प्रकार का भाव लेके चलते हैं उन्होंने भगवान को नहीं जाना उन उनका भगवान यम का भगवान है पनिश एक बार मैंने सुना ऐसे बड़े नामी गिरामी ऊंचे ऊंचा स्पिरिचुअल अगर वो क्षमा मांग ले तो हम पनिश नहीं करेंगे नाम नहीं लोग पर सुनने के बाद मुझे यहां पर इतना चोट एक दर्द हुआ मैंने कहा यहां इस उम्र में इस औहदे पर क्षमा मांग ले तो हम पनिश कर सकते हैं आप हो कौन पनिश करने वाले और क्षमा करने वाले <laughs> स्पिरिचुअलिटी का एबीसी सो so पर सावित्री क्या कहती हैं आई नो दैट नॉलेज इज ए वास्ट एम्ब्रेस आई नो दैट एवरी बीइंग इज माई सेल्फ भगवान के राज्य में पनिशमेंट नहीं होता है केवल कृपा होती है करुणा होती है और वो जो लगता है हमको पनिशमेंट वो भी कृपा और करुणा होती है क्योंकि उसके पीछे ये छिपा होता है इन एवरी हार्ट इज हिडन द मिरीड वन आई नो दो द काम ट्रांजेंडेन बियर्स द वर्ल्ड द वेल्ड इनहेबिटेंट द साइलेंट लॉर्ड आई फील हिज सीक्रेट एक्ट हिज इंटीमेट फायर एंड वन हु लवस इन अस केम वेल्ड बाई डेथ देन वॉज मैन बॉर्न अमंग द मॉन्स्ट्र स्टार्स डावर्ड विद ए माइंड एंड हार्ट टू कॉन्कर दी अब देखिए इसमें शेरविंद एपिक किस लेवल की एपिक है रावण ने वरदान मांगा था ये देखिए कैसे जुड़ती है कहानी रावण ने क्या वरदान मांगा था देवता इत्यादि से मैं ना मरूँ किससे मरूँ मरूँ तो मैं पशु या वानर या मनुष्य से मरूँ रावण ने क्या सोचा था मैं तो असुर राज हूँ मेरा डेंजर तो देवताओं से है लेकिन वास्तव में वो भूल गया था असुर को ट्रैम्पल करने वाला मनुष्य ही होगा और शेरबिंद इसको इस प्रकार से ले जाते हैं असुरत्व और राक्षसत्व को राक्षसत्व को असुर ट्रैम्पल करता है असुर कौन है इंटेलेक्चुअल है लेकिन राक्षस की तरह भक्षण करता है हर चीज का ग्रीड है उसके अंदर हर चीज को लूटने की छीनने की खसोटने की लेकिन इंटेलेक्चुअल है उसने स्क्रिप्चर्स पढ़े हुए हैं खूब सारी किताबें लिखी हैं स्कॉलरली आर्टिकल्स लिखे हैं लेकिन उसका नज़र पर्स के ऊपर है <laughs> तो वो असुर है तो उसने अपने राक्षसत्व को कंट्रोल किया हुआ खुलेआम नहीं करेगा वो और राक्षस क्या करेगा वो खुलेआम करेगा क्योंकि उसके अंदर ग्रीड ये सब चीज़ें दिखती हैं असुर को कौन ट्रैम्पल करता है वानर करता है रेस्टलेस माइंड है वानर की प्रवृत्ति क्या होती है वो गया ले गया लेकिन वानर ऐसे नहीं करेगा कि ऑर्गेनाइज चोरी नहीं करेगा आपके घर जा करके ऐसे नहीं करेगा लूटेगा नहीं ये नहीं करेगा अब घर आपने खुला छोड़ दिया फ्रिज खोल करके आपका जो खाने की चीज़ें ले जाएगा थोड़ा बहुत अपने बच्चों के लिए ले जाएगा ये नहीं कि पूरा फ्रिज ही ले जाए ये नहीं करेगा वानर तो उसके अंदर अब असुर की प्रवृत्ति कम हो रही है मनुष्य जो रियल मनुष्य वो असुर वो राक्षस असुर वानर इन तीनों को क्रॉस करके वो क्या करता है नहीं ये चीज़ मेरी है मैं उसी को टच करूँगा वो मेरी नहीं है तो उसके अंदर ये भाव होता है एक मॉरल सेंस होता है एथिकल सेंस होता है जिसके द्वारा वो जीवन जीता है और सुपरमैन वो इन चारों के ऊपर चला जाता है वो इंट्यूशन के आधार पर जीवन जीता है उसने अपने अंदर राक्षस असुर पशु मनुष्य इन चारों को सबॉर्डिनेट किया है टू अ हायर ट्रुथ मनुष्य ने इन तीनों को सबॉर्डिनेट किया है वानर ने राक्षस और असुर को सबॉर्डिनेट किया असुर ने राक्षस को सबॉर्डिनेट किया है राक्षस ने भूत प्रेत को सबॉर्डिनेट किया है उनके यही होते हैं भूत प्रेत मैटर को सबार्डिनेट किया है भूत कौन होते हैं एलिमेंटल एनर्जीज ना पत्थर फिकवा देगा यही सब उनको कुछ और काम नहीं होता है और मैटर ने अपने अंदर भगवान को छिपाया हुआ है तो यही सावित्री का मूल मंत्र है मैटर सेल रिपील द स्पिरिट्स फेस